महामहिम राष्ट्रपति जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव और आज जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है वे सभी समाज को समर्पित महानुभाव, मैं सबसे पहले आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ, क्योंकि मैं किसी एक और काम में व्यस्त हो गया, उसके कारण मुझे ही आने में देरी हुई, इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। आज गांधी शांति पुरस्कार के लिए जिन व्यक्ति और संगठनों को सम्मानित किया गया है, एक प्रकार से यह वर्ष महत्वपूर्ण भी है क्योंकि पूज्य बापू की 150वीं जयंती देश और दुनिया मना रही है और पूज्य बापू जीवन भर जिन बातों को लेकर के जिए, जिसको उन्होंने अपने जीवन में उतारा और जिसे समाज जीवन में संस्कारित करने का जिन्होंने अविरत प्रयास किया, ऐसे ही कामों को लेकर के जो संगठन समर्पित हैं, जो लोग समर्पित हैं, वे इस सम्मान के लिए पसंद किए जाते हैं। कन्याकुमारी का विवेकानंद केंद्र हो, एकल विद्यालय हो, ये समाज जीवन के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को शिक्षा और संस्कार के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। समाज के लिए समर्पण भाव से काम करने वाले बहुत बड़ी श्रृंखला इन्होंने निर्माण की है। आज इस सम्मान के अवसर पर मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जब गांधी जी से पूछा गया था तो एक बार उन्होंने कहा था कि स्वराज और स्वच्छता दोनों में से मुझे पहली कोई चीज पसंद करनी है तो मैं स्वच्छता को पसंद करूंगा। और पूज्य बापू का वो सपना पूरा करना हम सबका दायित्व है। देश के किसी भी कोने में जो भी स्वच्छता के लिए, शौचालय के लिए अपने आप को खपा देता है, वो हम सब के लिए बहुत सम्माननीय है। और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए सुलभ शौचालय जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उनका भी आज अभिनंदन करने का अवसर मिला है। अक्षय पात्र के माध्यम से देश के बालकों को मध्यान्ह भोजन मिले, सरकार का या सभी राज्यों में चलने वाली एक गतिविधि है, उसको प्रोफेशनलिज्म एक टच देने का प्रयास अक्षय पात्र ने किया है। और मुझे कुछ ही समय पहले वृंदावन में जाकर के 3 अरबवीं थाली परोसने का सौभाग्य मिला था। भारत सरकार भी कुपोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ी व्यापक योजना के साथ एक मिशन के मोड में काम कर रही है, क्योंकि भारत का बचपन स्वस्थ हो तो भारत स्वस्थ रहेगा। और इसी भाव को लेकर के इन प्रयासों में जन भागीदारी बहुत आवश्यक होती है। सरकार के प्रयासों में जब जन भागीदारी जुड़ती है तब उसकी शक्ति बढ़ जाती है। महात्मा गांधी के जीवन की सफलता में सबसे बड़ी बात जो थी, आजादी के लिए मर मिटने वाली परंपरा कभी इस देश में बंद नहीं हुई। जितने साल गुलामी रही उतने साल क्रांतिवीर भी मिलते रहे, ये इसकी विशेषता इस देश की। लेकिन गांधी जी ने आजादी को जन आंदोलन बना दिया था। समाज के लिए कोई भी काम करूंगा तो उससे आजादी आएगी, भाव पैदा किया था। जन भागीदारी, जन आंदोलन,
आज़ादी के काल में, आज़ादी के लड़ाई के काल में जितना महात्म्य था, उतना ही समृद्ध सुखी भारत के लिए भी उतना ही आवश्यक है। वो भी गांधी का ही दिखाया हुआ रास्ता है कि जन भागीदारी और जन आंदोलन के साथ हम पूज्य बापू के सपनों को पूरा करते हुए गांधी की 150वीं जयंती और 2022 में आज़ादी के 75 साल, उसके लिए हम संकल्प करके आगे बढ़े। पूज्य बापू एक विश्व मानव थे। आज़ादी के आंदोलन में इतनी व्यस्तता के बावजूद भी वे सप्ताह में एक दिन रक्त पीतियों के लिए सेवा में लगाते थे, लेप्रसी के लिए अपने आप को समय दे खुद करते थे, क्योंकि समाज में जो मानसिकता बनी थी उसको बदलने के लिए। सासा कबा जी करीब 4 दशक से इस काम में जुड़े हुए हैं। लेप्रसी के खिलाफ एक जन जागरण पैदा हुआ है, समाज में अब उसकी स्वीकृति भी बनने लगी है। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने रक्तपीत के कारण समाज में जिनको वंचित कर दिया गया, उनकी वेदना को समझा और उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। तो ऐसे सभी प्रयासों को सम्मानित करना पूज्य बापू को एक सच्ची श्रद्धांजलि का प्रयास है। गांधी 150 जब मना रहे तो ये विश्व मानव के रूप में दुनिया उनको जाने, और खुशी की बात है कि इस बार पूज्य बापू का प्रिय भजन वैष्णव भजन तो तहने रे कहिए दुनिया के करीब करीब 150 देशों के वहाँ के लोगों ने, वहाँ के कलाकारों ने जो भारत की कोई भाषा नहीं जानते हैं, उन्होंने उसी ढंग से वैष्णव भजन तो तहने रे कहिए गाया और 150 देशों के गायक वैष्णव भजन गाएं। YouTube पर अगर आप जाएंगे तो इतना बड़ा, यानी भारत की पहचान कैसे बन रही है, कैसे बढ़ रही है, भारत की स्वीकृति कैसे बढ़ रही है, और गांधी के आदर्श आज मानव कल्याण के लिए उपकारक कितने हैं, ये विश्व स्वीकार करने लगा है। इसके लिए हम हिंदुस्तान के हर बच्चे के लिए, हर नागरिक के लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। फिर एक बार मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूज्य बापू के चरणों में नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।